151 51 कर लिया। एक बार रिसेट को और दबाएंगे तो हमारा घंटे वाला ब्लिंक करने लगेगा। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिफोज YS के स्पोर्ट्स के वॉच में अलार्म को कैसे सेट करते हैं। क्योंकि अलार्म सेट करने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट करी गई थी और मुझसे कहा गया था कि सरार भाई आप बताइए कि डिफोज YS की स्पोर्ट्स की वॉच में अलार्म को कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास है डिफोज YS का स्पोर्ट्स का वॉच, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वाले वॉच में अलार्म को कैसे सेट करते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसरार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिख रहे लाल बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड लास्ट में लाइक करना मत भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी मेरे पास जो YS का डिफोज का वॉच है, और आज की इस वीडियो में आपको बारीकी से बताऊंगा कि डिफोज के YS की वॉच में अलार्म को कैसे सेट करते हैं। तो अगर आपके पास डिफोज की YS की वॉच है, तो इसमें आपको चार बटन मिलते हैं ना दोस्तों, पहला लाइट का, दूसरा मोड का, तीसरा स्टार्ट का और चौथा रीसेट का। रीसेट को हम दबाएंगे तो हमारा वो टाइम आ जाएगा जो हमने अलार्म को सेट कर रखा है, ठीक है। स्टार्ट को दबा के रखेंगे तो हमारा डेट आ जाएगा, क्लियर। तो अलार्म सेट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, मोड वाले बटन को एक बार दबाना होगा तो हमारा स्टॉप वॉच आ जाएगा, दो बार दबाएंगे तो हमारा अलार्म सेट करने वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अलार्म को सेट कर सकते हैं। अभी हमारा टाइम क्या हो रहा है, 12:49, ठीक है दोस्तों, 12:49 हमारा टाइम हो रहा है। तो हम इसको सेट करके बताते हैं कैसे सेट करते हैं और बजा के दिखाते हैं, ठीक है। तो 12:49 हो रहा है, ठीक है, 12:51 हम अलार्म को सेट करते हैं। तो अलार्म सेट करने के लिए हमारे को मोड वाले बटन को एक दो बार दबा देना होगा। रीसेट को हमारे को रीसेट वाला नहीं दबाना है अभी, क्योंकि हमारा घंटे वाला बिलिंग कर रहा है, और अगर रीसेट को दबा भी देते हैं तो हमारा मिनट वाला बिलिंग कर लेगा। उसके बाद हम स्टार्ट की मदद से कर लेंगे इसको 51 कर लिया। एक बार रीसेट को और दबाएंगे तो हमारा घंटे वाला बिलिंग करने लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट की मदद से हम करेंगे अपने हिसाब से सेट, 12:51 हो रहा था ना दोस्तों, तो हम इसको कर लेंगे 12:00 PM में हो रहा था, तो हम इसको कर लेंगे 12:51। तो ये हमारा हो गया दोस्तों PM में। अभी ए आ गया, ए फॉर AM चल रहा है, तो हम इसको करते हैं PM में। ये हमारा हो गया PM में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने मोड वाले बटन को एक बार दबा देना है। अब देखिए, जैसे ही 51 होगा अलार्म बजेगा, और अलार्म बजेगा तो आप समझ जाना कि इसमें अलार्म नहीं है। अलार्म नहीं बजेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें अलार्म नहीं है, ठीक है। रीसेट को दबाएंगे तो हमारा वो अलार्म वाला टाइम आ जाएगा। 12:51 PM में हमने अलार्म को सेट कर रखा हुआ है, ठीक है। अभी 47 हो रहा है, 10 सेकेंड और रुकना है हमारे को। देखते हैं अलार्म है या नहीं फिर इस वॉच में। तो दोस्तों, इस वॉच में अलार्म नहीं है, आप देख सकते हैं। 12:51 हमने अलार्म को सेट कर रखा था, लेकिन इसमें अलार्म नहीं बजा। तो इसका मतलब ये है कि YS के डिफॉल्ट के वॉच में अलार्म नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।